दूसरा प्रकार है दो अपवर्त कोण युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण। दो अपवर्त कोण युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण, ये समीकरण कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। पहला साइन एन थीटा इक्वल टू साइन एम थीटा, दूसरा कॉस एन थीटा इक्वल टू कॉस एम थीटा, तीसरा टेन एन थीटा इक्वल टू टेन एम थीटा, चौथा साइन एन थीटा इक्वल टू कॉस एम थीटा, पांचवा कॉस एन थीटा इक्वल टू कॉट एम थीटा। तो इस प्रकार समीकरण को हल करने की विधि देखते हैं। दिए गए समीकरण को एक ही त्रिकोणमितीय फलन के रूप में व्यक्त कीजिए तथा साइन एन थीटा इक्वल टू कॉस एम थीटा को कॉस एम थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एन थीटा के रूप में लिखिए। फिर आगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अथवा टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के लिए वर्णित विधि से व्यापक हल ज्ञात कीजिए। फिर अज्ञात चर कोण के पदों को एक पक्ष में लाकर उसका मान ज्ञात कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में हो तो एन के सम और विषम मानों पर पृथक पृथक विचार कीजिए। अब हमें समीकरणों को हल करना है और यहाँ पर भी व्यापक हल निकालना है। इसमें पहला प्रश्न है साइन एन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न होंगे उसमें हमें सबको लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है और साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, इन फॉर्मूले को उपयोग करके हमें इसको दो फलनों के गुणनफल के रूप में लाना है और वो इक्वल टू जीरो होगा। फिर दोनों को अलग अलग तुलना करके हम उसको हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। साइन नाइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं टू कॉस नाइन थीटा प्लस थीटा अपॉन टू साइन नाइन थीटा माइनस थीटा अपॉन टू। ये इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिलेगा टू टाइम्स कॉस नाइन प्लस वन टेन, टेन बाई टू दैट इज फाइव थीटा, और फिर साइन एट बाई फोर, तो ये मिल जाएगा तो टू कॉस फाइव थीटा प्लस साइन फोर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये टू तो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमें यह मिलेगा कि कॉस फाइव थीटा इंटू साइन फोर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। चलिए पहले हम कॉस फाइव थीटा इक्वल टू ज़ीरो को लेकर के चलते हैं। कॉस फाइव थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू जब ज़ीरो हो तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर फाइव थीटा है, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा फाइव थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और आगे जब सरल करेंगे तो थीटा इक्वल टू मिलेगा टू एन प्लस वन इंटू पाई अपॉन टेन वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक हल मिल गया हमें इस समीकरण का। अब हम साइन फोर थीटा को हल करते हैं। साइन फोर थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि जब साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं फोर थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर फोर थीटा है, तो इस तरफ हमें मिलेगा फोर थीटा इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन फोर वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये दोनों दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। दूसरा प्रश्न है साइन थ्री थीटा इक्वल टू साइन एट थीटा। तो इसे हल करने के लिए हम पहले लिखेंगे साइन एट थीटा माइनस साइन थ्री थीटा इक्वल टू ज़ीरो, पिछले प्रश्न की तरह। अब ये साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, तो ये होता है टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो इसके उपयोग से हम इसे आगे लिखने वाले हैं टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी मतलब एट थीटा प्लस थ्री थीटा अपॉन टू, और फिर साइन एट थीटा माइनस थ्री थीटा अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो।
आगे सरल करेंगे तो ये इक्वल टू जीरो है, तो टू तो जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि आगे जो पद दिया गया है वो टू जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस 11 थीटा अपॉन टू और साइन 5 थीटा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें से पहला केस लेते हैं जब कॉस 11 थीटा अपॉन टू ये इक्वल टू जीरो है। तो इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि जब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई टू। तो इसके उपयोग से हम इसे आगे लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर यहाँ पर 11 थीटा अपॉन टू है, ये 2n+1 इंटू पाई बाई टू, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू मिलेगा 2n+1 इंटू पाई अपॉन 11 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। हमने इस पद को हल कर कर ये हल निकाला था, अब दूसरा पद जो कि साइन 5 थीटा अपॉन 2 है उसे हल करेंगे। तो जब साइन 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू जीरो हो, तो जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर जब 5 थीटा बाई 2 है तो हमें मिल जाएगा 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई। तो थीटा इक्वल टू 2n π/5 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दोनों इस दिए गए समीकरण के हल हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ दिया गया है cos 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा। तो इसे हल करने के लिए हम राइट हैंड साइड में जो उसे लेफ्ट साइड पे पक्षांतर कर लेते हैं तो मिलेगा cos 5 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल टू ज़ीरो। और आपने ये पढ़ रखा है कि cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, ये होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d मीन्स 5 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 और फिर साइन 4 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आगे जब हल करेंगे तो मिलेगा साइन 9 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आगे इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन 9 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब साइन का गुणा कर दे दोनों पक्षों में तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब पहले पद को यदि लेकर के हल करें साइन 9 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। तो इस तरीके से हमें जो हल मिलेगा ये मिलेगा 9 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई और यहाँ से थीटा इक्वल टू 2n π/9 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये दिए गए समीकरण का हल है। अब आ जाते हैं साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू यदि 0 हो तब क्या होगा। तो फिर से साइन थीटा जब 0 होता है तो इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई। यहाँ पर हमें मिल रहा है थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n π वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। cos 5 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल टू 0, इसको हमने cos c माइनस cos d के फॉर्मूले के उपयोग करके हल किया था। अब इसे हम दूसरी विधि से हल करके देखते हैं। तो cos 5 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 2n π/-4θ, क्योंकि cos ऑफ 2π+θ या माइनस थीटा वो cos थीटा के बराबर ही होता है। तो इस तरीके से cos 5 थीटा इक्वल टू cos 2n π/-4θ। तो यहाँ से यदि हमें मुख्य हल लिखने कहा जाए तो हम लिखेंगे 5 थीटा इक्वल टू 2n π/-4θ प्लस साइन यदि हम लें तो हमें मिलेगा 5 थीटा इक्वल टू 2n π/4θ।
फाइव थीटा, ये फोर थीटा को लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये एक हल हो गया। और माइनस साइन यदि हम लें तो हमें मिलेगा फाइव थीटा इक्वल टू टू एन पाई माइनस फोर थीटा। ये फोर थीटा लेफ्ट साइड में आकर के ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा नाइन थीटा इक्वल टू टू एन पाई। और इस तरीके से मिलेगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई अपॉन नाइन, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो देखिए किसी भी विधि का उपयोग करिए आपको उत्तर वही मिलेगा। इसमें चौथा प्रश्न है साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा। साइन टू थीटा इक्वल टू कॉस थ्री थीटा। तो इसे हल करने के लिए पहले मैं कॉस थ्री थीटा को लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और आगे है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर पाई बाई टू माइनस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इस रूप में है, तो चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके उपयोग से हम लिखेंगे थ्री थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर है पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो एक बार हम धनात्मक मान लेंगे, जब धनात्मक मान लेंगे तो हमें मिलेगा थ्री थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू और ये माइनस टू थीटा। ये माइनस टू थीटा लेफ्ट साइड में आकर के हो जाएगा प्लस फाइव थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। और यदि फाइव को पक्षांतर कर दें तो मिल जाएगा वन बाई फाइव टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, वन बाई फाइव। और यहाँ पर यदि आप एलसीएम ले तो मिल जाएगा फोर एन पाई प्लस पाई, और ये फाइव और ये मिलकर के हो जाएगा टेन। तो इस तरीके से आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू, और पाई को भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई अपॉन टेन इंटू फोर एन प्लस वन, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक हल हमें मिल गया इस दिए गए समीकरण का। अब दूसरा हल हमें मिलेगा माइनस साइन लेने पर। माइनस साइन लेने पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा थ्री थीटा इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई टू और ये प्लस टू थीटा। ये टू थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आकर के घट जाएगा और आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई टू, या फिर यदि आप एलसीएम निकाले तो मिलेगा टू और ये फोर एन पाई माइनस पाई, और आगे सरल करने पर आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू, अगर आप पाई को कॉमन ले लें तो मिलेगा फोर एन माइनस वन और ये पॉइंट टू, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये दिए गए समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न है कॉट फोर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसे हल कर सकते हैं हम कॉट को टेन में परिवर्तित करके। कॉट फोर थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन टेन फोर थीटा, और ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। तो यदि इसे आप हल करें या इसका व्युत्क्रम लें या फिर तिर्यक गुणा करें तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन फोर थीटा। तो आपको यह पता है कि जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है ये होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं टेन फोर थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा के स्थान पर है फोर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा, और ये थीटा को आप पक्षांतर करें तो मिल जाएगा थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, या फिर थीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये दिए गए समीकरण का हल है। अब छठवें प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर दिया गया है टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसे हल करने के लिए आप टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आपको पता है कि जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल टू एन फाई प्लस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर है थीटा, और जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू एन फाई, और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन टू वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इसका एक हल हुआ। तो यहाँ पर एक बात जो कि ध्यान देने वाली है वो ये कि यदि एन विषम है तब आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू, जो है ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। क्योंकि टेन थ्री थीटा और टेन थीटा दोनों अनंत हो जाते हैं, तो इस वजह से हम सॉल्यूशन लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू जब एन जो है यह सम संख्या है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि माना n n बराबर ये 2m है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से आपको जो हल मिलेगा या अभीष्ट हल मिलेगा ये मिलेगा थीटा इक्वल टू m पाई फॉर ऑल m बिलोंग्स टू i। अगला प्रश्न है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। अब जब यहाँ पे जीरो होता है तब हम अलग अलग पदों को इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग पदों का गुणनफल एक है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसे हम आगे हल कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि टेन टू थीटा को लेफ्ट में रखिए और टेन थीटा को पक्षांतर कर दीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इस फॉर्म में आ चुका है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है ये थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। तो इसके उपयोग से हम लिखेंगे टू थीटा, थीटा के स्थान पर है टू थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर है पाई बाई टू माइनस थीटा। ये थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आकर के हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, या फिर इसे आप और आगे सरल करना चाहें तो इसका लघुत्तम समापवर्त या LCM आएगा 2, और ये 2n पाई प्लस पाई हो जाएगा, या फिर इसमें से अगर आप पाई को कॉमन लेना चाहें तो 2n प्लस 1। तो 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई टू 2n प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ हो जाएगा, फिर ये 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। इसमें आठवां प्रश्न देखते हैं जहाँ पर tan थीटा इंटू tan 3 थीटा ये इक्वल टू 1 है। तो पिछले प्रश्न में जैसा हमने हल किया था इसको भी उसी तरीके से हल करना है। यहाँ पर भी आप tan थीटा को पक्षांतर करेंगे तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं cot थीटा, और इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, और फिर जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, इसको हम उपयोग करते हैं, और फिर ये आ जाएगा थीटा के स्थान पर है 3 थीटा, तो 3 थीटा एन पाई प्लस अल्फा के स्थान पर है पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पर पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा 4 थीटा, और इन दोनों पदों में यदि आप एलसीएम लें तो मिलेगा 2n पाई प्लस पाई, और यदि इससे आप पाई को कॉमन ले लें तो मिलेगा 2n प्लस 1। तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये दिए गए समीकरण का हल है। या फिर इसे आप और सरल करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4,
और इसमें से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 4 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये भी उत्तर सही है, यहाँ तक लिखते हैं और अगर यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो दोनों उत्तर सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉस एम थीटा इक्वल टू कॉस एन थीटा है, इसे हमें हल करना है। तो आपने ये पढ़ रखा है कि कॉस थीटा इक्वल टू जब कॉस अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो पहले देखिए कि यहाँ पर भी n का इस्तेमाल हुआ है और हम जो सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर n है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसे इसका हल मैं लिख रहा हूँ m थीटा इक्वल टू 2k इंटू पाई प्लस n थीटा, ये अल्फ़ा के स्थान पर n थीटा है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि k बिलोंग्स टू i। यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, जब एक बार प्लस होगा दूसरी बार माइनस होगा। तो प्लस साइन यदि हम लें तो हमें मिलेगा m थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस n थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा m थीटा माइनस n थीटा इक्वल टू 2k पाई, या फिर थीटा इंटू m माइनस n इक्वल टू 2k पाई, और यहाँ से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2k पाई अपॉन m माइनस n वेयर k बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ है जब हमने धन चिन्ह लिया। आगे जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा m थीटा इक्वल टू 2k पाई माइनस n थीटा, आगे m थीटा प्लस n थीटा इक्वल टू 2k पाई, और यहाँ से अगर थीटा कॉमन लें तो बचेगा m प्लस n, ये ऐसा आ जाएगा और ये है 2k पाई, या फिर फाइनली आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2k पाई अपॉन m प्लस n वेयर k बिलोंग्स टू i। तो यहाँ पर मैंने k का इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि t का इस्तेमाल करना है तो आप t का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि m n थीटा के अलावा हो। अगला प्रश्न है साइन m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा, ये दिया गया है और इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो इसे मैं लिख रहा हूँ साइन m थीटा माइनस साइन n थीटा इक्वल टू ज़ीरो, और इसके लिए हम फार्मूले का उपयोग करेंगे। साइन c माइनस साइन d आपको पता है, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इसका इस्तेमाल करके इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos c प्लस d, तो m थीटा प्लस n थीटा अपॉन 2 और फिर साइन m थीटा माइनस n थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि cos m थीटा प्लस n थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा। पहले इस पद को लेकर के चलेंगे, फिर इस पद को 0 से इक्वेट करेंगे और फिर जो हल आएगा वो उसका हल होगा। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू जब 0 होता है तो थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, थीटा के स्थान पर यहाँ पर ये पद है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे m थीटा प्लस n थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर n का उपयोग हुआ है और यहाँ पर भी सूत्र में n आता है, तो वो n अलग है और ये n अलग है, तो इसको मैंने k से रिप्लेस कर दिया है। अब आगे यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इंटू एम प्लस n अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू है ये 2k प्लस 1 इंटू पाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन m प्लस n इंटू पाई वेयर k बिलोंग्स टू i, ये दिए गए समीकरण का हल हमें प्राप्त होगा। अब दूसरा पद ये साइन m थीटा माइनस n थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, तो यहाँ पर हम इस एंगल को लिखेंगे m माइनस n अपॉन 2 और ये थीटा,
इक्वल टू एन पाई, एन का उपयोग हो गया इसलिए मैं यहाँ पर के का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी के बिलोंग्स टू आई है। तो इस तरीके से यदि इसे आप आगे हल करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2k पाई अपॉन m माइनस n वेयर k बिलोंग्स टू i। तो ये समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखते हैं जहां पर हमें दिया गया है tan m थीटा प्लस cot n थीटा इक्वल टू ज़ीरो। चलिए इसे हल करते हैं। तो tan m थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस cot n थीटा, और माइनस cot n थीटा को लिखा जा सकता है tan पाई बाय टू प्लस n थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है। तो इस तरीके से माइनस cot n थीटा को हमने लिख दिया tan ऑफ पाई बाय टू प्लस n थीटा। अब देखिए कि ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इस रूप में आ चुका है। जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करेंगे और हम लिख रहे हैं m थीटा, थीटा के स्थान पर है m थीटा इक्वल टू n के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ k पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के स्थान पर है पाई बाई टू प्लस n थीटा। तो यदि आगे सॉल्व करेंगे तो n थीटा को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, मिलेगा m माइनस n इंटू थीटा, और यदि इसमें से LCM निकाल लें तो आ जाएगा 2, और ये 2k पाई प्लस पाई, या फिर यदि इसे आप पाई कॉमन ले लें तो मिलेगा 2k प्लस 1, और आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 2, और ये m माइनस n वेयर k बिलोंग्स टू i। तो ये दिए गए समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है tan 2 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 2 बाई थीटा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये डायरेक्टली इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है कि tan थीटा इक्वल टू, यदि tan अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसके इस्तेमाल से हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस टू अपॉन थीटा। यदि इसे आप हल करें तो ये आपको मिल जाएगा 2 थीटा माइनस 2 बाई थीटा इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पर जो LCM आएगा ये थीटा आएगा और ये 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 और ये इक्वल टू एन पाई। तो यदि इसे आप आगे सरल करें तो मिल जाएगा 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू थीटा इंटू एन पाई। हमने इसको पक्षांतर कर दिया, या फिर आप तिर्यक गुणा भी कह सकते हैं। आगे जब सरल करेंगे तो मिलेगा 2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा एन पाई माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण मिला है ये हमें थीटा में एक वर्ग समीकरण मिला है, और इसका हल हम सूत्र विधि से करेंगे। तो चूंकि आपने पहले पढ़ रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो, जहाँ पर ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो एक्स इक्वल टू मिलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इस तरीके से इस सूत्र का उपयोग करके हम हल करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा का मान, और थीटा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और माइनस प्लस मिलेगा एन पाई, और फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये कि माइनस एन पाई का स्क्वायर करेंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो फोर करेंगे तो मिलेगा ये फोर, देन ए जो है वो टू है, और सी का मतलब ये माइनस टू है, और फिर अपॉन टू ए, तो टू इंटू टू। इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16, और ये है अपॉन 4, और n बिलोंग्स टू i। तो ये हमें इस प्रश्न का या इस दिए गए समीकरण का हल प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है यदि साइन ऑफ पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई साइन थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए
थीटा प्लस माइनस पाई बाई फोर ये इक्वल टू होगा 1/√2 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो जो दिया गया है यह है साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा। और यदि इसका हम मुख्य मान लें तो हम लिखेंगे कि पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा। दोनों पक्षों में देखिए कि ये पाई जो है ये कॉमन है, तो यहाँ से इस पद से हमें ये मिला और इस पद से ये मिला। इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस साइन थीटा। तो आगे जब इस पद को पक्षांतर कर लेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब दोनों पक्षों में 1/√2 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√2 कॉस थीटा और ये माइनस प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ये आया है दोनों पक्षों में 1/√2 का गुणा करने पर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो तो इसे स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस फार्मूले में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका गुणांक एक है और इसका गुणांक एक है, तो इससे स्क्वायर रूट ओवर 1+1 करेंगे तो मिल जाएगा 2। तो 1/√2 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर हमें ये मिल रहा है कि ये हो गया कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा और साइन पाई बाय 4 और ये इक्वल टू है 1/√2। तो इसे यदि हम देखें तो ये कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी उस फॉर्म पर बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉस थीटा और प्लस माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 और यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। तो अगला प्रश्न है यदि टेन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ 10x हो तो सिद्ध कीजिए। साइन 2x इक्वल टू 4/2n+1 इंटू पाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है वह है टेन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ 10x। तो पिछले प्रश्न की बात ही हम इसे लिखेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 10x। तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो अब देखिए कि ये कॉट ये टेन थीटा इक्वल टू 10α के फॉर्म पर बिलोंग कर रहा है। तो जब टेन थीटा इक्वल टू 10α होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू n π+α। तो इस तरीके से टेन थीटा और टेन थीटा के स्थान पर है यहाँ पर कॉट एक्स, तो मिल जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू n π+α और अल्फ़ा के स्थान पर है
पाई बाय टू माइनस टेन एक्स। अब आगे हल करने के लिए टेन एक्स को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं और ये मिल गया एन पाई प्लस पाई बाय टू। कॉट और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेते हैं तो ये मिल जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। इसे जब आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका एलसीएम मिलेगा और अंश में मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, तो ये वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। तो यदि इसमें हम दो का गुणा कर दें अंश और हर में तो ये मिल जाएगा टू अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स। इन दोनों पदों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो मिल जाएगा टू और ये टू एन पाई प्लस पाई, और आगे इसे सरल करके हम यदि हम पाई को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा टू एन प्लस वन। अब देखिए ये जो है ये साइन टू एक्स का एक्सपेंशन है तो ये मिल जाएगा टू अपॉन साइन टू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, या फिर यहाँ से आप पक्षांतर करें तो मिल जाएगा साइन टू एक्स इक्वल टू फोर अपॉन टू एन प्लस वन इंटू पाई, जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है यदि टेन ऑफ पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट टू। चलिए आगे हल करते हैं, जो दिया है वह है टेन ऑफ पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये टेन पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं थीटा, और थीटा के स्थान पर है पाई कॉस थीटा, तो मिल गया पाई कॉस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर है पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए कि इस पूरे पदों पर जो है लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में पाई है, तो पाई को यदि हम कैंसिल कर दें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू माइनस साइन थीटा, और यदि आप साइन थीटा को पक्षांतर कर लें तो आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू, इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। तो पिछले प्रश्न की भांति हम दोनों पक्षों में वन बाय रूट टू से गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वन बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस वन बाय रूट टू साइन थीटा इक्वल टू वन बाय रूट टू, इसका एलसीएम निकाले तो मिल जाएगा टू एन प्लस वन और ये अपॉन टू। तो ये समीकरण एक में वन बाय रूट टू से गुणा करने पर हमें यह प्राप्त हुआ है। सो कॉस ये वन बाय रूट टू को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय फोर, और फिर ये कॉस थीटा प्लस इसे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय फोर, और अगला पद है साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टू एन प्लस वन अपॉन टू रूट टू। ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला है या फिर उसका विस्तार है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ये दूसरा समीकरण, यहाँ पर एन बिलोंग्स टू आई है। समीकरण दो में यदि एन इक्वल टू जीरो रखें तो समीकरण दो में एन इक्वल टू जीरो रखने पर हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो इंटू टू जीरो, तो ये मिल जाएगा वन अपॉन
टू रूट टू, ये समीकरण तीन। और यदि समीकरण दो में n इक्वल टू माइनस वन रखें तो ये आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई फोर, माइनस वन रखेंगे तो मिलेगा माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन अपॉन टू रूट टू, मान लेते हैं ये समीकरण चार। तो समीकरण तीन व चार से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट टू, यह मिल रहा है। और यदि हम समीकरण दो में n का कोई भी अन्य मान रखें तो कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई फोर का मान एक से अधिक या माइनस वन से कम हो जाएगा, जो असंभव है। अतः हम लिखेंगे कि कॉस थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट टू।